नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए हैं किसान भाई के साथ खेत पे लाइव। इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर की बात करें तो ये गणेश थ्रेसर है, श्री गणेश थ्रेसर, जो कि जोधपुर की बनी हुई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइव आपके सामने छने की फसल निकाल रही है। इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इसका रिजल्ट किस प्रकार आपको लाइव दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम छने की नमी की बात करते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल छने जो अपने पूरे गीला, गीले माल की बात करें तो 40-50% नमी वाला है, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो 40-50% नमी वाली फसल ये निकाल रहा है। मशीन के ड्रम साइज़ की बात करें तो 42 इंची मशीन का ड्रम साइज है। अगर कौन सी जगह चल रही है, लोकेशन तो पाली ग्राम जेतपुरा के अंदर चल रही है और मेसी के 241 DI मेसी प्रोड्यूशन पे ये मशीन चल रही है। और बिल्कुल ट्रैक्टर लोड फ्री है, मात्र 12 थेरा के RPM पे ये मशीन चल रही है। उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम इसके गीले माल की बात करते हैं। तो गीले माल निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जब गीला माल निकालते हैं तो ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, ये ढक्कन ओपन करना है। ढक्कन ओपन से ये होगा कि आपका ड्रम चौक नहीं होगा। और जो इस प्रकार के ड्रम के अंदर टुस्से बनते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गीले माल निकाल रहे हैं 50%, तो ये क्या है कि ड्रम से वापस बाहर आ जाएंगे। इसे आप एक साइड में भी कर सकते हो, अगर आपकी डोली में वापस लेना है तो वो भी ले सकते हो। इस मशीन में सबसे यूनिक ये है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि ड्रम के RPM चेंज करने के लिए साइड में आपको पुली बेल्ट वाला सिस्टम मिलता है, लेकिन इस मशीन में आपको आगे सिस्टम मिलता है। उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गीला माल की मैंने बात की थी, देखिए कि बिल्कुल चने, हल्के फुल्के चने पूरे 100% गीले आ रहे हैं। ये इसका एलिवेटर हो गया, ये आपके फसल सफाई के लिए काम में आएगा, ये भी आएगा। मशीन के RPM की, आप मशीन के फैन की बात करें तो मशीन आपको 4 फैन के अंदर मिलती है। ये इसका एलिवेटर हो गया। 1 घंटे की एवरेज की बात करें तो इस मशीन का 1 घंटे का एवरेज लगभग 20 क्विंटल रहता है। ये वाला जो सिस्टम है, इसके माध्यम से जब नीचे तरपाल और पाल जाते हैं तो इसके माध्यम से वापस ग्रेडिंग कर सकते हैं। या आपको आगे 2 सिस्टम मिलते हैं, 2 पुलियाँ वाले सिस्टम मिलते हैं। एक के माध्यम से आप अपने फैन के RPM चेंज कर सकते हो, एक के माध्यम से आप अपने ड्रम के RPM कम और ज़्यादा कर सकते हो। आगे आपको ये सिस्टम मिलता है, मिक्सी मशीन है, जो कि इस इलाके की किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पसंद। अब आपको ट्रैक्टर के RPM दिखाते हैं। मात्र 12-13 के RPM पे ट्रैक्टर चल रहा है, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं, बिल्कुल 11-12 पे। और ट्रैक्टर पे बिना किसी लोड पड़े ये मशीन बहुत ही शानदार चल रही है। अब आपको पंखे रहते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको इस मशीन में 2 बड़े से टूल मिलते हैं। एक उस तरफ टूल बॉक्स मिलता है, एक इस तरफ टूल बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आप अपना डीजल, जैसे कि डीजल या आगे टैंक जरिकन, सब किसान भाई ने रख रखा है। तो मशीन को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, किसान भाइयों को आसानी रहेगी। ये एक पेन मुख्यतः सफाई के लिए काम में आता है, ये पेन, वो पेन, ये 3 पेन जो भूसा फेंकने का काम करता है। इससे आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा करके भूसे की दूरी भी डिसाइड कर सकते हो कि ज़्यादा दूर करना है या कम करना है। ये जैसा कि आप ये सिस्टम देख पा रहे हो, इसके माध्यम से आप अपने पीछे डोली उठिए RPM कम और ज़्यादा कर सकते हो। ये जो आप फिल्टर वाला सिस्टम देख पा रहे हो, ये जो फिल्टर वाला जो सिस्टम आपका रहता है, तो इधर से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डोलियों के साथ हल्के फुल्के दाने भी आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डोलियों के साथ ये 1-2% दाने आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे कि इस फिल्टर वाले सिस्टम के माध्यम से वापस डोली के अंदर, डोली से ड्रम और ड्रम से वापस चालने पर आ जाएंगे। मशीन की बात करें कि मशीन कितने व्हील के अंदर है, तो ये मशीन आपको 3 व्हील में मिलने वाली है, जो कि आपको ये फायदा होगा कि आपके ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा। भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देती है, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। और जीरे में भी इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर का रिजल्ट भी बहुत शानदार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड थी, बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि हमें श्री गणेश थ्रेसर का लाइव रिजल्ट दिखाया जाए मल्टीक्रॉप थ्रेसर का। तो मैंने पाली आकर इस मल्टीक्रॉप थ्रेसर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी।
तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।